माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी कंसर्न ओवर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन टेकन बाय डीडीए टू रिमूव इंक्रोचमेंट इन दिल्ली। उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो ये तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्षिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। धन्यवाद। थैंक यू।